हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमने डबल कपड़ा रख लेना है इस तरह से। ये देखिए, ऊपर और नीचे की साइड इस तरह से डबल कपड़ा रख लेना है आपने। उसके बाद हमने इसकी 7 इंच की जो बेल्ट है वो रखनी है। 7 इंच की बेल्ट रखने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपने रख लेनी है। जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है आपने उसी हिसाब से इसको रख लेना है। जैसे ही मैं आपको 35 इंच सलवार की, ये देखिए 7 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ के नीचे से 35 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने जितनी भी आपकी सलवार रहेगी उसके हिसाब से ही आपने इसकी लेंथ लेनी है। मान लीजिए ये मैंने 35 इंच ली है, उसके बाद हमने नीचे से पोंचे का निशान लगा लेना है। स्ट्रेट सलवार में हम जो पटे हैं उसकी अलग कटिंग नहीं करेंगे, इसके बीच में ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे, पूरा पोंचा ले लेंगे। जैसे यहाँ से हमने 7 इंच पोंचे के ऊपर निशान लगा लेना है। ये देखिए, जहाँ से 7-6 इंच जितना भी आपने लेना है, जितना आपने पोंचा तैयार रखना है उसी हिसाब से आपने पोंचे के ऊपर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये देखिए, मैं 7 इंच का पोंचा रख रही हूँ। अगर आप कम ज़्यादा भी रखना चाहते हो तो आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो। स्ट्रेट सलवार इसके लिए पोंचा जो है कम ही रहेगा, 6 या 7 इंच ही तैयार होगा इसका। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ से आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान ऊपर 7 इंच का छोड़कर उसके बाद जो रह गया है हमने वो आसन का निशान जहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से 7.5 इंच के ऊपर आसन का निशान लगा रही हूँ। ये 7.5 इंच के ऊपर आसन का निशान लग जाएगा। उसके बाद ये निशान हमने इस तरह से मिला देना है। इस तरह से ये निशान हमने मिला देना है। ये देखिए, यहाँ से आसन की कटिंग हो गई है और ये नीचे पोंचे की कटिंग हो गई है। सेम कटिंग हमने जो दूसरी साइड है, ये देखिए दो जो है, ये दो, ये देखिए आगे और पीछे वाला जो साइड है, ये दो यहाँ से कुंदी की यहाँ से कटिंग हो जाएगी और जो दो बाकी की कुंदी है इधर से कटिंग हो जाएगी। मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। ये देखिए, जहाँ से हमने पोंचा रखा है यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और सेम कटिंग आपने, जैसे कि ये कपड़ा जहाँ से बचेगा उसके ऊपर ये कुंदी जो है उल्टा कर आपने रख लेनी है। इस तरह से कुंदी रखने के बाद आपने जो नीचे का कपड़ा है सेम इसकी इस तरह से रखे आपने साइड से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपकी फ्रेंड स्ट्रेट सलवार की कटिंग हो जाएगी।